आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने भाजपा सरकार पर तीखे वार किए तथा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एकमात्र विकल्प बताया। तिवारी ने कहा, सेंट्रल हॉल में शिवराज को व्यापम सरकार कहकर पुकारा जाता है। रीवा में कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए तथा भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि मामा राज में 100% महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, जबकि कभी यह राज्य शांति के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि सेंट्रल हॉल में शिवराज को व्यापम सरकार कहकर पुकारा जाता है। 15 साल तो ये भी नहीं कह सकते कि हमको पूरा मौका नहीं मिला, इनफ टाइम कंटिन्यूअस, ये भी नहीं कि अल्टरनेटिव 5 साल आप 5 साल हम, पूरा टाइम मिला। लाइन ऑर्डर में नंबर 1 पे, जहां पे सबसे ज्यादा खराब स्थिति, इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा खराब स्थिति, किसान के ऊपर गोलियां चलाने में सबसे आगे, घोटाले में शिवराज जी व्यापम, या तो उनको व्यापम जी कह दीजिए या शिवराज जी। अगर आप व्यापम कह दें हिंदुस्तान में तो लोग समझ जाते हैं शिवराज पर्याय है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मध्य प्रदेश सरकार को लेकर कहा कि यह किसान विरोधी और भ्रष्ट सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि भाजपा का जाना तय है तो फिर कांग्रेस का आना भी तय है, उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।